अयाज भाई, आज आप मुमरा पुलिस चौकी आए किसी बात का मेमोरेंडम देने के लिए, क्या कहेंगे, किस चीज़ के लिए मेमोरेंडम दिया आपने? देखिए, हम लोग जन्नतुल बकी की तामीर के लिए जो की डिमांड के लिए हम लोग यहाँ पर हर साल, पिछले साल भी हमने मुमरा पुलिस स्टेशन और कलेक्टर के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम दिया है कि वो सऊदी गवर्नमेंट से डायलॉग करे कि आने वाले वक्त में जन्नतुल बकी फिर से तामीर हो जाए। ये हमारी गुजारिश थी और हमने कंडेम करने के लिए भी, ये हमारा एक एहतजाजी आंदोलन भी है और फरीजा भी है जो हमने आज अंजाम दिया। मौलाना शबाब हैदर साहब भी यहाँ मौजूद थे और शिया इशनाशरी मुस्लिम जमात के तमाम नुमाइंदे यहाँ मौजूद रहे हम लोग, और इसके अलावा तबलीगी जमात से भी हैं, सुन्नत जमात से भी लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ दिया है इस मामले में। और हम चाहेंगे कि बीबी फातिमा जहरा जो है वो रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी थी और उनके मज़ार पर साया नहीं है, तो इसका सबसे ज़्यादा अफसोस हमारे तमाम मुसलमानों को है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द उस पर, उस कब्र पर साया हो और जन्नतुल बकी फिर से तामीर की जाए। और हम आले सऊद का इस मामले में हम उनका कंडेम भी करते हैं और ये हमारी शक्ल एहतजाजी शक्ल भी है और हमारा फरीजा भी है। और ये देखिए, हमने आज ये लेटर मौलाना शबाब हैदर साहब की नेतृत्व में, उनकी नुमाइंदगी में हमने लेटर दिया है शिया इशनाशरी जमात का, और इंशाल्लाह इसको जल्द ही हम सीएम एकनाथ शिंदे साहब को भी देने जा रहे हैं और इसी को अजीत पवार साहब को भी देने जा रहे हैं, और कल सुबह हम इसे कलेक्टर को भी, थाने कलेक्टर को भी देंगे ताकि ये हमारी आवाज़ जो है शिया इशनाशरी मुस्लिम जमात की आवाज़ जो है वो केंद्र सरकार तक पहुँचे। और आचार संहिता के ख़त्म होने के बाद ये पत्र जो है, हमने इसीलिए इसे इंग्लिश में टाइप किया है ताकि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से ये यूएनओ को दे सके या फिर सऊदी गवर्नमेंट के कॉन्सुलेट को पहुंचा कर हमारी जो बात है वो वहां तक रख सके, ये हमारी कोशिश है। पूरे देश में तामीर जन्नतुल बकी को लेकर के जो है एहतजाज किया जा रहा है, यहाँ तक कि आज मुमरा के अंदर भी एहतजाज किया जाने वाला है, क्या कहेंगे? आज आप अयाज़ अहसन साहब के साथ मेमोरेंडम देने आए, किस तरह की बात हुई आपकी यहाँ के सीनियर पीआई से या सेकंड सीनियर से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर जन्नतुल बकी तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्कों में एहतजाज हुआ, क्योंकि 101 साल हो गया। मदीने मुनव्वरा में एक जगह है जिसका नाम है जन्नतुल बकी जी, आले सऊद ने उसे तोड़ दिया, मिसमार कर दिया। तब से सारे मुसलमान, खासकर हम यानी अहले बैत, ये मांग करते हैं कि जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर की जाए। उस सिलसिले में यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन आए ताकि मेमोरेंडम दें और सऊदी हुकूमत से बात करें कि उसकी जो है वो तामीर की जाए।